चैनल। तो आज की जो वीडियो होने वाली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि सबने मेरे को मैसेज कर करके मेरे कमेंट सेक्शन में भर दिया है रूम टूर वीडियो। तो अगर ये पूरा स्किप करा कहीं भी, मेरे को दिखा एनालिटिक्स में कि ये कहीं स्किप हुआ है, तो मैं एड्रेस ढूंढ के पता करके वो तुमसे पूछना होंगे कि स्किप क्यों हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा रूम है और यहाँ पे बिल्डिंग तीन है, डॉर्मेट्रीज है यहाँ पे, और ये वाली जो है ये गर्ल्स की, एक और गर्ल्स की और एक बॉयज की है। तो मेरी वैली में ऑब्वियसली गर्ल्स में रहती हूँ, मैं बॉयज में नहीं रहती हूँ। तो यहाँ पे पूरे रूम है, घर की तरफ सारे ही रूम है, मेरे नहीं है वो, तो मैं हम खोल के नहीं दिखाएंगे, किसी की प्राइवेसी का ध्यान रखा। तो ये कार्ड होता है, ये हम सबको रूम में मिलता है जिनका भी रूम होता है, तो इसी को टैप करके यहाँ पे खुल भी गया। वैसे नहीं खुलता एकदम, मैं खोलने की कोशिश करती हूँ उसे। तो ये खोलने के बाद ही हम इसको टैप करने के बाद ही ये गेट खुलता है। तो फिलहाल तो यहाँ पर हम अंदर आ चुके हैं। फिलहाल लाइट ऑन नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड रखने का होता है, तो इसमें हमें अपने कार्ड डालने पड़ते हैं, तभी अंदर रूम की सारी लाइटें चालू होती हैं। तो फिलहाल चालू होगी, देखा खुल जाए सेंसर। तो ये वाली जो लाइट होती है, ये वाला स्विच, ये होता है हमारे ऊपर, ये वाली इधर वाले, ये जो गैलरी छोटी सी जो हमारी गैलरी है इतनी सी, इसकी लाइट होती है ये ऊपर, तो ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, स्विच है ऑफ को यहाँ पे। और ये हमारा शोरूम है और थोड़ा सा मैसी है। अगर आपको लग रहा हो कि ये थोड़ा अजीब सा क्यों है, तो माना करो दो कुंवारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो बहुत ही गंदी तरीके से रह जाएगा। okay. तो ऊपर है रीयूजेबल बैग्स जो कि यहाँ पे बहुत जरूरी होते हैं, किसी ना किसी सामान के लिए हमें प्लास्टिक बैग्स रखने पड़ते हैं, ट्रैश बैग, क्योंकि यहाँ पे बैग महंगे देते हैं भाई, इंडिया में बैग फ्री में देते हैं, ये लोग महंगे पैसे देते हैं उस चीज़ के लिए, बड़े सेल्फिश लोग। मजाक है, इसीलिए दिल पर मत ले जाना इस मजाक को। तो ये शेल्फ मेरे रूममेट का है और ये मेरे हैं चप्पल जूते, ठीक है, और ये भी मेरा है। और यहाँ पे हमारे दो दो डिवाइडेड हैं, एक शेल्फ मेरी रूममेट का है और एक ये है, यहाँ पे हम अपने टॉयलेटरी रख सकते हैं, लॉन्ड्री वगैरह का सामान। ये हमारे रूम का सारा सामान है जो हम पोछा लगाते हैं घिर घिच के, यहाँ पे लंबा सा डंडा, और ये मेरा छोटू सा अम्ब्रेला है, बड़ा प्यारा है ना मेरी तरह, थैंक यू। तो बस ये मेरा शू रैक है। और यहाँ पे ना जैसे कोरियन में भी ये होता है, इंडिया में भी होता है, ये लोग तो अलग ही बोलते हैं कि सिर्फ कोरियन वाले ही करते हैं, ऐसा नहीं होता है। इंडिया में भी अगर तुम अंदर चप्पल पहन के जाओगे, तुम्हारी मम्मी तुम्हें चार चप्पलों से मारेंगी। तो सेम यहाँ पर है कि आप चप्पल पहन के अंदर नहीं जा सकते हो। तो हम चप्पल उतारेंगे और मेरी रूम की चप्पल पहनेंगे जो कि बहुत प्यारी है मेरी तरह, उसको पहन के फिर मैं अंदर आपको रूम का पूरा देने वाली हूँ, एक मिनट। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं, जैसे ये यहाँ पे अभी ऐसी पतली सी गली जाके खुल जाती है पूरी आगे जाके, फिर यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि रूम थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन सही है दो लोगों के रहने लायक सही है। तो यहाँ पे तुम्हारी दो कैबिनेट्स होती हैं, ये मेरी रूममेट का है तो ये नहीं खोलेंगे बिल्कुल भी, मैं अपना खोल के दिखा सकती हूँ। तो ये है मेरा कपड़ों रखने, कपड़ों की जगह, सारे मेरी शर्ट्स तो नहीं है, स्वेट शर्ट्स, और बाकी मेरे कपड़े हैं, बाकी ऊपर भी मेरे बहुत सारे कपड़े हैं, अंदर भी मेरे बहुत सारे कपड़े हैं, तो जगह पूरी मैंने कपड़ों से भर रखी है। अब ज्यादा मत देखना कि दीदी ये वाला स्वेटर आपने उस दिन वीडियो में देखा था, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के मत बता देना, वैसे मजा आएगा कि तुमने डिटेल में देखा है। बाकी नीचे कुछ मेरे सॉक्स वगैरह रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गई कैबिनेट, और यहाँ पे ये है एसी और प्लस हीटर, उस सबको यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि बाकी सारे स्विच किस काम के, मैंने सिर्फ अपने मतलब के सीख लिए, ये बंद होने का, ये ऊपर नीचे करने का, ये पंखा जादू करने का है, इतना आता है बस मुझे, ठीक है। इससे ज्यादा अगर तुम्हें मुझे जानना हो कि ये किसके लिए है, तो मुझसे मत पूछना, आई एम नॉट द राइट पर्सन। तो इतना ये इसके लिए है। और ये रूम की लाइट है, ये वाली जो बंद करके मैं दिखा रही हूँ मैं तो, और ये मुझे नहीं पता किसकी है, बाथरूम की है शायद, हाँ मेरी रूम में पीछे से इशारा कर रही है बाथरूम की है, मेरे को होश ही नहीं है मतलब, तो कमरे में मैं रहती हूँ क्या ये। और ये शायद अंदर वो जो एक कौन सा होता है एग्जिस्टिंग फैन होता है, किसका होता है मुझे नहीं पता, किसी का भी हो भाई, तुम मुझे बता देना लिख के, मुझे अभी तक नाम समझ में नहीं आता, मुझे सिर्फ पता चलता है कि जो पंखा आपकी किचन में और बाथरूम में लगा होता है मैं उसको पंखा ही बोलती हूँ, वो पंखा है। और ये है हमारा बाथरूम खोल के दिखाते हैं, बाथरूम बहुत अच्छा है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है बस, क्योंकि मुझे अपना बाथरूम बहुत प्यारा लगता है। तो ये मेरा बाथरूम है पूरा, और ये मैं हूँ, जानते ही होंगे मुझे तो। और ये बाथरूम की चप्पलें हैं, बाथरूम की चप्पल, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है थोड़े अलग अलग चप्पल पहन के घूमूं। और ये तो पता ही होगा क्या होगा, मुझे नहीं पता, अपनी अपनी जगह पे नाम ले लो। और ये यहाँ पे एक रखने की जगह है, अलमारी टाइप की,
तो ये सारा सारा सामान मेरा है, ये मेरी रूममेट का है और ये भी मेरा ही है। तो मेरी आवाज़ कैसी आई है। और ये एक अच्छा खासा मिरर है, और ये पता है यहाँ पे बाथरूम में ही मिरर है, अंदर कमरे में मिरर नहीं देते ये लोग, पता नहीं क्यों। तो मतलब इंसान तैयार हो तो भाग भाग के यहाँ पर देखने आए कि आह कैसे लग रहे हैं हम, तो मैं नहीं करती, मैंने अंदर भी ले लिया इसलिए। और ये ब्रश करने की सामान, कैसी कैसी बातें बता रही हूँ, ये तो दिख ही रहा होगा भाई ब्रश करने का है। और ये कुछ शैम्पू वगैरह है, और ये डिश वॉशर है तो क्योंकि हम रूम में ही धो लेते हैं कभी कभी। और ये सिंक बोलते हैं, सिंक है। और ये हैंड वॉश है, बाकी वाइफर भी है छोटू सा, मेरा वाइफर, ये वाइफर है। और यहाँ पे आपका बाथरूम एरिया है, पूरा नहाओ शावर एरिया, तो बहुत अच्छा खासा स्पेस भी है, तो मुझे ये अच्छा लगता है, जगह भी होती है, आप परफेक्टली एकदम अपनी शांति से रह भी सकते हो, इसके अंदर बसना नहीं है बट नहा सकते हो अच्छी तरीके से, तो अच्छी जगह। और अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये पूरा रूम का है, तो ये साइड मेरा है, ये साइड मेरी रूममेट का है, तो हम इस साइड को एक्सप्लोर करने वाले हैं अभी। तो ये वाली साइड मेरा है, तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सामान मेरे पास बहुत है। तो अगर ये किसी को नहीं पता हो तो जाके मेरी इंडियन जो मेरे मम्मी ने मुझे पार्सल भेजा उसमें देखिए, आपको पता चल जाएगा किसने भेजा। तो ये मेरा खाने पीने का सामान इसमें भरा रहता है, ये सारे क्लेचर हैं, और ये भी अगर आपको लग रहा हो कितने सारे क्यों हैं तो आपको पता चल जाएगा, आप मेरी वीडियो जाके देखो, मेरी मम्मी ने जो जो मुझे भेजा वो सब मैंने यहीं पर रखा हुआ, बैठ के कर लेते क्योंकि थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और ये मेकअप का सामान है, अब इसको खोल के नहीं दिखाने वाले कि क्या क्या है इसके अंदर। और ये पता नहीं मैंने क्यों लिया, मुझे खुद नहीं पता, इसमें पता ऐसे पानी निकलता है, मुझे नहीं पता मैंने क्यों लिया था बट मैंने ले लिया था ये फालतू में। और इसमें मैं अपने सारे जो मैं रिंग्स और नेकलेसेस वगैरह बनती हूँ वो, और ये एक लौता मेरा स्किन केयर, ये मेरे को थोड़ा सूट करता है फेस पे, तो मेकअप वेकअप उतारने के बाद मैं इसको यूज़ करती हूँ। बाकी एक मेरा ये प्यारा सा बार्बी का शीशा है जो कि मैं कहीं लेके नहीं जाती बट मुझे अच्छा लगता है बार्बी चीज़ें क्यों चीज़ें कलेक्ट करने का। और यहाँ पे कुछ मेरे छमछिमा तो यहाँ पे मेरा पूरा परफ्यूम का पॉकेट परफ्यूम का सेट है, ये भी एक परफ्यूम है, ये सारी नेल पेंट्स हैं। और बाकी तो देखिए ये तो आपको पता ही होगा, तेल है क्यूकर पेन अगर किसी को नहीं पता हो तो, और कुछ मेकअप का प्रोडक्ट है, और ये मेरा रूम फ्रेशनर है, ये रबर है, क्लिप्स हैं, थिनर है, किसी किसी चीज़ें बता रही हूँ मैं, तो वो डिटेल बताने की जरूरत नहीं थी लेकिन कोई बात नहीं आप देख लो, स्किप मत करो बस कहीं भी। और यहाँ पे एक मेरा छोटू सा मिरर है, ये मैंने खुद के लिए यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि योगी तो क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना कि बाथरूम में मिरर है और यहाँ पे कोई भी मिरर नहीं है। अब मैं भी दिख रही हूँ क्या फेस में, मुझे नहीं पता, अब मैं देखती हूँ। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इधर की तरफ अगर हम आते हैं, ये कंघे रखे हुए हैं, सन ग्लासेस रखे हुए हैं, तो और ये मेरी बोतल पानी का, मेरा टैंकर बोलने मज़ा आता है मुझे, लेकिन ये टैंकर है मेरे पानी का, मैं इसे पानी भर के रखती हूँ। ये मेरा टिश्यू बॉक्स है, और घड़ी है, और मेरे प्यारी से मेरे भगवान जी, मैंने छोटा सा कॉर्नर बना रखा है उनका। और ये तो सबको, अब इसको मेरे को इंट्रोड्यूस कराने की तो ज़रूरत नहीं है, कहीं भी ज़रूरत नहीं है भाई, ये एक बेटी है आर्मी के घर में तुम्हें क्या मिल सकता है, ये ऑफ कोर्स जो कि बहुत ज़रूरी है, और बाकी मेरा लैपटॉप है, ये तो भाई मुझे तारीफ चाहिए मुझे इसके ऊपर, मैंने इतनी कलाकारी करी, अगर मुझे तारीफ नहीं मिली तो कुछ नहीं क्या जाता, दूसरी वीडियो पर दिखा देना। और इसके बाद ये मुझे NID की तरफ से मिला था, माउस रखने के लिए होता है वो नीचे, पता नहीं क्या बोलते उसको, मुझे नहीं पता, तो इसको मुझे मिला तो था, मेरे पास माउस नहीं था तो मैंने अपना फ़ोन रखने के लिए यूज़ कर लिया इसको। और ये आपने मेरी वीडियो में देखा ही होगा, पानी पीने वाला मेरा डोनाल्ड डग का ग्लास, मैं चाहती तो मैं इसमें से पानी पी सकती थी बट मुझे इसमें पीने का जो मज़ा है स्ट्रॉ डाल के वो कहीं नहीं आता। बाकी मेरा ईयरफोन्स है, और ये वाईफाई मेरा नहीं है, ये रूम का है, मैं इसको अपने साथ ही लेके जा सकती, ये रूम का वाईफाई है। और ये छोटू सा, ये इसमें ना हम ऐसे तार फंसा सकते हैं, तार केबल जो चार्जर की होती है वो नीचे चार्जर लगा के। और ये मेरा देख रहे हो क्या, मैं सही बताऊँ मेरे में जो टैलेंट है, मैंने इसको दिया था इन लोगों ने स्टडी टेबल के नाम पे, इसमें तुम्हें किताबें के अलावा सब कुछ मिल जाएगा, किताब मेरे सब किताब मेरा और किताब का क्या लेना देना, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने इसको एज अ
कुछ भी कह सकते हो, किचन यूज़ कर रही हूँ मैं उसको, एक डब्बे को, और अपना सारा सामान कप्स और टिफिन वगैरह रखती हूँ। बाकी वो नीचे मेरे चार्जर्स है, पीछे मेरा हेयर ड्रायर है, और ये मास्क है, वाइप्स हैं कुछ, ये अरे ये मेरा टैलेंट है, ये शायद मेरे को कॉफ़ी का कप था, तो मैंने कहा कॉफ़ी तो बहुत ही बेकार थी यहाँ की, इतनी कड़वी कॉफ़ी मैंने कभी जीवन में ना पी हो अपने, तो मैंने इसको एज मतलब बदला लेने के लिए मैंने इसको ये कॉइन्स इकट्ठा करने के लिए यूज़ करा, मैं किसी काम के द्वारा मैंने इतना पैसा खर्च करके यूज़ करा है तो ठीक है। तो ये वाला पोर्शन खत्म हो चुका है। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, बाद में बताएंगे हम डिटेल में आपको, फिलहाल एक ये भी है, ये ड्रॉर होते हैं, और यहाँ पे भी इन्होंने कॉपी किताब रखने के लिए दिया था। मेरे पास मात्र इतनी कॉपियाँ हैं, ये ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत ही पढ़ाई इनमें ही बहुत हार्ड होती है, ठीक है ना, ज़्यादा कॉपियाँ लेने से मतलब नहीं है। तो ये मेरी कॉपीज़ हैं, और कुछ मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ पेन है, और कुछ दवाइयाँ हैं, और कुछ सीजर्स भी हैं, तो और बाकी कुछ मेरे मास्क वगैरह रखे रहते हैं। तो मेरा सारा सामान इसी के अंदर, इतना ही है, इतनी पढ़ाई करती हूँ बस, मैं इसी के अंदर रखा रहता, बाकी मैंने एज अ किचन यूज़ कर रखा है इसको, किचन प्लस मेकअप करने के लिए जगह, और प्लस अपनी यूट्यूब वीडियो में यहीं से बनाती हूँ बैठ के, तो मैं इसको सब कुछ यूज़ करी, एज अ स्टूडियो भी। और ये मेरी कुर्सी दी है इन्होंने, इन्होंने इतनी हार्ड कुर्सी दी थी ना, कोई इंसान इसमें बैठ के पढ़ ही नहीं सकता था, तो मैंने बड़े शौक से इसको लिया, ये जो होता है ना बिछाने के लिए, कि इसको अगर मैं आरामदायक बनाऊंगी तो मेरा पढ़ने का मन करेगा। बट अफसोस की बात की मेरा फिर भी नहीं कर रहा है, मेरा तो इस पे बैठने का मैंने यूज ही नहीं करा अभी तक, कि इस पे कंफर्टेबल होता है इंसान कि नहीं होता है, मेरा क्या वास्ता, नहीं पढ़ती हूँ मैं, ऐसा नहीं है। और ये बोलोगे किसका फोन है, ये मेरा फोन नहीं है, ये नीचे से फोन है, और इसका फोन कर भी नहीं सकते किसी को, पता नहीं क्यों लगा रखा है। इससे फोन सिर्फ इनके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में जाता है और सिक्योरिटी ऑफिस में जाता है। तो अगर आप चाहो कि एक कमरे से दूसरे कमरे में बैठ के अपने दोस्तों से बतियाओ या फिर अपने घर पे फोन लगाओ, तो ये उस काम का नहीं है। और इतना ही है, मैंने इसको कभी भाई एक बार बजा था ये कमरे में, जब मैं अचानक से आई थी, मुझे लगा बजता नहीं है, मेरे ख्याल से लगा ही रखा है शो ऑफ के लिए, इसमें कौन करता होगा फोन, बट ये फोन करता है, जब तुम्हारा नीचे कुछ काम आता है तो वो यहीं पर फोन करता है। मैंने तो 5 मिनट तक तो उठाया भी नहीं, मैंने कहा बजने तो भाई, मुझे नहीं पता ऐसे फोन नहीं उठाती मैं, तो हाँ इतना हो गया। और यहाँ पे ये दिखा देते हैं डिटेल में, यहाँ पे नीचे चार्जेस वगैरह हैं, तो इसको कनेक्ट करके, चाहती तो मैं ऊपर से भी कर सकती थी, बट मैंने यहीं पर कनेक्ट करके इसको अपना लगा रखा है, और ये मेरा क्या बोलते हैं इसको, अडेप्टर है अलग टाइप का, तो इससे इसके ऊपर चार्जर लगा के मैं कनेक्ट करती हूँ। अंदर एक और जगह है, ये भाई एक गुफ्त जगह है, मैंने एक्सप्लोर करी अभी नहीं, मेरे को पता नहीं था, तो मैंने इसको यूज़ करा है बैग्स रखने के लिए, मेरे सारे बैग्स उसके अंदर रहते हैं, तो मुझे पता नहीं था यार, मैं तो सोच रही थी मेरे को लगा एकदम मैं साफ सफाई करती हूँ, वाओ अंदर एक खजाना भी है, तो मैंने इसको यूज करा है। और अब स्टार्ट करते हैं मेरा बैग, मेरा स्थान है, ये मेरा तख्त है, यहीं पर रहती हूँ पूरे टाइम। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं ड्रॉर्स, खाना, अगर मेरे खानों को नजर लगी, किसी ने मेरे खाने को नजर लगाई तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये है मेरा खाना, बहुत सारा खाना, सारा आपको यहाँ पे मैं स्टॉल लगाने वाली हूँ इंडियन खाने का, मैं लगा सकती हूँ, मेरे तीनों ये यहाँ पे ना तीन ड्रॉर्स होते हैं नीचे, अभी मैं दिखाऊंगी एक एक करके, तो उन तीनों में खाना है, तो इसमें भी बहुत सारा खाना है, पंजाबी तड़का है, कुरकुरे हैं, पापड़ वापड़, मैंने बता रखा है पूरे डिटेल में कि मेरे पास खाना क्या क्या है, तो आप वीडियो जाके देख लेना, वो पार्सल में क्या क्या आया था। तो ये वाला और एक ये है, इसमें भी सारा खाना है, ठीक है, नजर नहीं लगाना मेरे खाने को, बस ठीक है, बहुत सारा खाना है, बहुत सारा, और ये सारा मेरे पेट में ही जाता है, और इसमें भी खाना ही है। तो जैसे कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे, मैं मैगी की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली हूँ विद थोड़ा टाइम, मैं कॉन्टेक्ट करती हूँ उनकी कंपनी को कि मुझे अगर आप दे सको ब्रांड एम्बेसडर या फिर कुछ पैसे वैसे दे सको, क्योंकि मैं मार्केटिंग जितनी बढ़ा रही हूँ उनकी उतनी कोई नहीं बढ़ा सकता। तो ये सारा खाना मेरा है, स्टोर करने की जगह रख लेता है, मैं खाना रखने के लिए रखती हूँ क्योंकि मेरे पास वही सबसे ज़्यादा है। और ये मेरा तकिया, और ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, मेरा खरगोश, इसका नाम बताओ क्या हो सकता है, मैंने एक कमेंट सेक्शन में लिख के बताया भी था, और इसका एक हिंट है, जो ये जानवर है ना वो इसका नाम है, तो बताना जरूर कि नाम क्या है, ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छा नाम रखा है, बहुत सोच के, और इसकी तारीफ भी चाहिए मुझे, इस माय खरगोश एंड मी वांट सम अटेंशन, तो कमेंट सेक्शन में अटेंशन चाहिए, मेरे खरगोश की तारीफ होनी चाहिए, भाई इतनी मेहनत से खरीदा है मैंने इसको, मेहनत से मैंने चूज किया है मी एंड माय खरगोश। और अगर पता हो नहीं हो, बस पता होना चाहिए, जितनी मेरी वीडियोस देख रहे हो आपको पता होना चाहिए कि मैंने खरगोश क्यों लिया है,
मेरी स्माइल में खरगोश का मतलब है, तो बताना जरूर कि खरगोश ही क्यों पसंद आया मुझे, ठीक है। और ये मेरा तकिया है, और ये बेडशीट है, गद्दा है, और ये ब्लैंकेट है। और सबसे जो अच्छा पार्ट है इस पूरे कमरे का, एक तो मैं हूँ, दूसरा मेरा टेबल है, एक चीज ये भी अच्छी है, मैं सबसे अच्छी हूँ वैसे तो, और ये यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा व्यू आता है। मतलब अगर आपको कभी कभार अपने घर की याद आती है, ऑब्वियसली क्योंकि मैं पहली बार अपने घर से अलग रह रही हूँ, तो बाहर आके आप देख सकते हो तो बहुत अच्छा लगता है, लगता है कि ओ यू आर इन कोरिया, तो थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है और बहुत ही अच्छा व्यू आता है। किसी के रूम से इतना अच्छा नहीं आता। मेरे जब मैं यहाँ पे पहली बार आई थी तो मेरे रूममेट ने मुझे सबसे पहले यही दिखाया था, लाइट बंद करके बाहर की लाइटें, कि रूम का जो व्यू है वो बहुत अच्छा आता है। तो ये पूरा अच्छी खासी विंडो जिससे बहुत सारी धूप भी आती है, अगर मैं सो रही हूँ और ये खुली हो तो 6 बजे आपको किसी को जगाने की जरूरत नहीं, ये जगा सकता है आपको, पर्सनल अलार्म मेरा ये है, ठीक है। और बाकी पूरा रूम ऐसा दिखता है और मैं यहाँ पे दिखती हूँ, तो यहीं पे रूम टूर खत्म नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि रूम टूर खत्म हो चुका है, लेकिन जो डॉर्मेट्री में जो फैसिलिटीज हमें मिलती है तो वो मैं नीचे जाके दिखाने वाली हूँ आपको। ये सीयू है, नीचे जिम है, कैंटीन है, और भी कुछ है क्या, मैं बोल रही हूँ तो अगर कुछ और भी हुआ तो मैं आपको, और लाउंज भी है, क्यूकेशन जो कि एक स्टडी रूम भी है, तो वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाली, तो बने रहो, जाना नहीं कहीं पर भी। बाहर से डॉर्मेट्री कुछ ऐसी दिखती है, बहुत ही ऊँची है, मेरे पता नहीं कैमरे में ये नहीं है ये, तो ये वाली पीछे बिल्डिंग बॉयज की है, ये गर्ल्स की है, और ये भी गर्ल्स की है, और ये सी बिल्डिंग है, यहाँ से गर्ल्स मेरी बिल्डिंग है, येलो बिल्डिंग बोलते हैं, वैसे हर बिल्डिंग को एक कलर मिला होता है, और इसी कार्ड से जो कि हम डॉर्मेट्री में यूज़ करते हैं उसी कार्ड से हमें यहाँ पे टैपिंग मशीन्स होती है थोड़ी, और हमें यहाँ पे एंटर करने के लिए यहाँ पे अपनी कार्ड को टैप करना होता है, गेट खुलता है और अंदर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेटर बॉक्सेस हैं, सो आपका जो लेटर आता है वो यहाँ पर आता है, और यहाँ पे है खिड़की अच्छी सी जिससे एक अच्छा सा व्यू आता है। और इस वाली बिल्डिंग में मेरी क्लासेस होती हैं, यहाँ पे बैंक और सीयू और एटीएम और स्टेशनरी बहुत कुछ है, यहाँ पे बहुत सारी अंदर नीचे वाले फ्लोर पे ना पूरी शॉप्स हैं, ऊपर सारी क्लासेस होती हैं कोरियन लैंग्वेज की, और ये भी एक बिल्डिंग है जहाँ पे क्लब्स एक्टिविटीज़ होती हैं सारी। तो यहाँ पे ये वाला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, तो यहाँ पे तो हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे है सेम जैसे यहाँ से पूरा कार टैप करके, यहाँ पे स्टेयर्स हैं ऊपर नीचे जाने के लिए, और यहाँ पे बिल्डिंग का एंट्रेंस है वो वाली बिल्डिंग, वो भी एक गर्ल्स की बिल्डिंग है बट वो रेड बिल्डिंग है, और ये पूरी लिफ्ट है, ऑड इवन सिस्टम से चलती हैं यहाँ पे, तो लिफ्ट हैं, और ये स्टेयर्स हैं नीचे ऊपर जाने के लिए, पहले ही बता चुकी हूँ मैं ये। और यहाँ पे ये लाउंज है पूरा, यहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, तो क्योंकि अभी तो कोई नहीं है, क्योंकि अभी वीकेंड चल रहा है तो ज़्यादा लोग आते नहीं हैं यहाँ पे, वीकेंड पे सब लोग बाहर ही घूम रहे होते हैं। बहुत ही अच्छी एकदम प्यारा सा लाउंज है, और वो वाली जो एंट्रेंस है वो वहाँ पे बॉयज़ की बिल्डिंग का है, तो वहाँ पे जाना मना है हमें। ये यहाँ पे वाटर पानी पीने के लिए, और यहाँ पे एक प्रिंटिंग करने के लिए मशीन है, यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो पूरा जो भी आपको सामान चाहिए होता है। और यहाँ पे वॉशरूम्स हैं, और वहाँ पे जो गेट है वहाँ पे ह्यूगे शेल है, मैं आपको डिटेल में नहीं दिखा सकती क्योंकि वहाँ पे लोग कुछ शायद पढ़ रहे हैं, तो बस बाहर से थोड़ा बहुत ही, तो ऐसे यहाँ पे एक रह पैड, यहाँ पे कचरा डालने का सामान है, और ये माइक्रोवेव्स हैं, तो मैं अपनी मैगी पास्ता वगैरह यहीं पर बनाती हूँ। और यहाँ पर एक प्यारा सा व्यू है जो कि मुझे बहुत ही पसंद आता है, बनाते बनाते ना बाहर देखो बहुत अच्छा लगता है। कि अभी मैं नीचे वाली फ्लोर पे जा रही हूँ जहाँ पे सीयू है, और आवाज़ आ रही है, हमें आवाज़ गूंजती बहुत है, तो फर्स्ट फ्लोर के नीचे ये ग्राउंड फ्लोर है, और यहाँ पे सीयू है, जिम है, कैंटीन है, लॉन्ड्री रूम है, सब कुछ यहीं पर है, तो दिखाते हैं। ये लिफ्ट और ये कैंटीन है, ठीक है,
यहाँ पे आपको बना बनाए का, अभी तो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि खाना वाना हो चुका है। यहाँ कैंटीन के साइड में से आपको यहाँ पे उधर जाने की तरफ पूरा एक वॉशरूम, पूरा क्या आधा अधूरा किसका होता है, तो वॉशरूम्स वगैरह हैं। और यहाँ पे CEO है और यहाँ पे ATM भी है और वहाँ पे जिम है। लोग अगर जिम कर रहे होंगे तो मैं आपको डिटेल में नहीं दिखाने वाली। यहाँ पे पता नहीं शायद ये बैक डोर है जो कि मुझे पता नहीं किस वजह से या किस लिए है। और ये पूरी जिम है, CEO में भी लोग हैं तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि थोड़ा कॉन्शियस ना हो जाए। ये जिम है, यहाँ पे कोई है नहीं अभी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ताकि किसी को कॉन्शियस नहीं होगा कोई भी, अगर होगा तो मैं भाग लूँगी। तो ये पूरी जिम, मैं यहाँ पे नहीं आती भाई, मैं जिम विम नहीं कर रही, मेरा पहली बार है जिम में। यहाँ पर आके देखना, मैं सिर्फ देखने आई हूँ वीडियो बनाने, करने नहीं आती मैं जिम। तो ये पूरी जिम है, साइड में से ही यहाँ पे CEO के बाद बाजू में ही इधर की तरफ जाते हुए एक लॉन्ड्री रूम भी है। अगर लोग लॉन्ड्री कर रहे होंगे तो फिर से नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा बुरा नहीं, मैं चाहती नहीं कि कोई ऑफेंड हो जाए उसको देख के, कैमरा एकदम से देख के। तो ये लॉन्ड्री रूम है, यहाँ पे इस्त्री करने की जगह, प्रेस करने की जगह है। और यहाँ पे मशीन है जिसमें आपको कार्ड वगैरह चाहिए होता है या फिर कार्ड से होता है ना क्योंकि लॉन्ड्री, तो कार्ड आप निकाल सकते हो पैसे भर के। यहाँ डिटर्जेंट है तो आप डिटर्जेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से ख़रीद के यूज़ कर सकते हो। और वॉशिंग मशीन्स हैं, बहुत लोग अपनी लॉन्ड्री कर रहे हैं, ठीक है। ये ड्रायर है और ये सारी वॉशिंग मशीन्स हैं, लोगों के हो भी रहे हैं कुछ काम धंधे। और वहाँ पे बॉयज़ का लॉन्ड्री रूम है, वहाँ पे मुझे जाना अलाउड नहीं है, ऑब्वियसली अलाउड नहीं हो सकता तो वहाँ नहीं जाता है। और जी का टूर भी ख़त्म हो रहा है, अभी मैं आपको अपने फ्लोर पे लेके जाती हूँ, वेट करते हैं लिफ्ट का। तो यहाँ पे ऑर्डर इवन का मैंने आप पहले भी सिस्टम बताया है, तो मेरी जो फ्लोर है वो सिक्स है, तो मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, तो वेट करते हैं। यहाँ पे लिफ्ट है ये, तो यहाँ पे कैट टैप करने के बाद ही आपको लिफ्ट में एंट्री मतलब कहीं जा सकते हो। तो यहाँ पे हम कार्ड टैप करेंगे और सिक्स बंद तो है ही ऑलरेडी। तो ये लिफ्ट है, यहाँ पे जितने भी नोटिस आते हैं वो यहाँ पे लगाते रहते हैं ताकि आप कुछ मिस ना करो, डॉर्मेट्री से रिलेटेड अगर कोई नए रूल्स पास आउट होते हैं तो पूरा डिटेल में। लिफ्ट में भी अच्छी खासी लाइटनिंग है, सोचती यहीं पर फोटो ना ले लिया करो। तो आ चुके हैं बटन फ्लोर पे, ये मेरी फ्लोर है। और यहाँ पे जो भी कमरे का जो कबाड़ा कबूड़ा होता है वो हम यहाँ पे डिवाइड करके रखते हैं क्योंकि ये लोग कोरिया वाले ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो हमें अपना सारा डिवाइड करके रखना पड़ता है। और यहाँ पे कार्डबोर्ड्स वगैरह है और यहाँ पे एक प्यारा सा क्या बोलते हैं उसका, नोटिस बोर्ड है। तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड ये पता नहीं किसने बना दिया, लेकिन तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी डिटेल्स आती है तो वो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, मतलब प्रिंट क्या लगा देते हैं। और यहाँ पे है कुछ नहीं है, ये बस बिल्डिंग्स के बाहर देखने का तरीका है, मुझे तो अच्छा लगता नीचे देखने में। और लिफ्ट से निकल के यहाँ पे स्टेयर्स के लिए यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ऊपर नीचे जाने के लिए। अब इसकी भी एक खासियत है पता है, अगर मान लो कि कोई और हमारे स्टेयर्स एंट्री कर लेता है लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपको एक कार्ड टैप करना पड़ता है तभी ये गेट खुलेगा, वरना गेट नहीं खुलता है। तो कोई भी आपकी बिल्डिंग में नहीं आ सकता अगर उसके पास कार्ड नहीं है। ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इतनी तेज़ बंद हुआ है ना ये गेट, मेरे हाथ झन्ना गए। और ये सबके रूम्स वगैरह हैं, मेरा रूम यहाँ पर है और यहाँ पे मेरे रूम के जस्ट सामने, बहुत ज़्यादा लकी हूँ, यहाँ पे मेरा रूम है और इसके जस्ट सामने फ्रिज है। ये जो फ्रिज होता है ना ये डिवाइडेड होता है कि आपको इतने से इतने रूम नंबर के जो सामान रखने के लिए, जो स्टूडेंट्स का जो भी सामान होगा, क्या हो गया मेरी जवान को, तो वो यहाँ पे रख सकते हैं। मेरा भी इसमें सामान रखा हुआ है बट आपको अपना नाम लिख के यहाँ पे रखना होता है कि आपका सामान है। और यहाँ पे है एक
पानी भरने के लिए यहाँ पे गर्म पानी और ठंडा पानी, यानी गलत हो गया, गर्म पानी और ठंडा पानी यहाँ पे आता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मैं अपना बस गेट खोलती हूँ सीधा यहाँ से और यहाँ पे मेरा सारा सामान होता है। और बस आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो मैंने पूरा आपको अपना रूम टूर दिखा दिया है और डॉर्मेट्री, मेरे बाल ऐसे हवा चल रही थी ना भर, पता नहीं कैसे हो गए। तो वीडियो भी जो भी अच्छा लगा हो या मेरी तारीफ़ करनी हो, मेरे खरगोश की तारीफ़ करनी हो मेरे स्टफ टॉय की, तो और उसका नाम भी ज़रूर बताना कि उसका नाम क्या है, तो कमेंट सेक्शन में बताना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अगर आपको मेरी कोरियन लाइफ के बारे में जानना हो कि मैं कोरिया में कैसे रह रही हूँ, तो आप वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। बस अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।